क्या? अरे भाई साहब मुझे आगे एक मिनट। अरे कोई है जो उसकी मदद करेगा? हम में से कितने लोग हैं जो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए शख्स की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं? यकीनन बहुत कम। और मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ और भी कम हो जाते हैं जब मामला रोड रेज का हो। हम में से ज्यादातर लोग रोड रेज के मामलों में आंख चुराने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दिल्ली में सन 2012 में हुए रोड रेज केसेस में तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि यहाँ की सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा गुस्सा सफर करता है, जिसका नतीजा कई बार एक भयानक हादसे का रूप ले लेता है। कभी कभी एक भला आदमी बेमौत मारा जाता है। लेकिन रोड रेज के ऐसे ही पीड़ितों के लिए अरविंद गुप्ता जैसे लोग मसीहा साबित होते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अपराध रहित दिल्ली दूर नहीं कि हमारी मुहिम अरविंद जैसे लोगों से ही मुकम्मल होती है। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो अरविंद से जुड़ी है। वो अरविंद जो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, आखिर तक मदद के लिए तरसता रहा। अच्छा, तो आयु अपने फ्रेंड्स को मिस करे? और आयु के पापा आयु की मम्मा को बहुत मिस करें। विराज, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? प्लीज मत जाओ। पापा, मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी ना। मैं सच कह रहा, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा। और वैसे भी इस हालत में तुम्हें और आयु को अकेला भेजने का मेरा जी नहीं चाह रहा। अगर ऑफिस का काम नहीं होता ना, तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलता। मुझे अच्छा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। मेरे भोलू राम, इधर इधर। अरे इधर बैठो। कैसी मिल गया तुम मुझे? इतना प्यार मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। आपको हमारे बिना जीने की जरूरत क्या है? हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का हर वक्त हर लम्हा हम आपके साथ ही रहेंगे। हम आपको एक पल के लिए भी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। एक पल के लिए भी छोड़ के नहीं जाओ? एक पल के लिए भी? कभी भी नहीं छोड़ के जाओ? कभी नहीं? पक्का बात? पक्का बात। बेटा मेरे, माँ आपको क्या चाहिए था बताइए ना मुझे। वो माँ जी के ना घुटनों में दर्द है, तो उन्होंने तेल मंगवाया था। हाँ माँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। हाँ बेटा, मैं लिख देती हूँ। अच्छा, कहाँ पहुंची? अरविंद, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हें वहाँ छोड़ के आने में गिल्टी फील हो रहा है। आज मैं तुम्हें फोन करके इतना इरिटेट करूंगा कि अगली बार तुम मुझे कभी छोड़ के जाओगी नहीं। वेरी फन। अच्छा कहाँ हो तुम? खान मार्केट, माँ की दवाइयाँ लेनी थी ना। अच्छा सुनो ना चुप, तुम्हें ना प्लीज इस हालत में ना ट्रैवल मत करो। देखो तुम रास्ते पे रुक कर कहीं ब्रेक ले लो। ओके बाबा, मैं ब्रेक ले लूंगी और घर पहुँच के तुम्हें कॉल भी करूँगी। शाम का कुछ नाश्ता कर लेना, भूखे मत रहना। अच्छा सुनो ना, माँ का फोन आ रहा है सेकंड लाइन पे, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है, कर लो। हेलो माँ, मैंने आपकी दवाएं ले ली। माँ बेटा, मेरी वजह से तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया? भूख तो बहुत लगी है, मैं ऑफिस में जाके खाना खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बेटा मेरी चक्कर में तेरी तो परेड लग गई। मैं क्या इतना गया गुजरा हुआ माँ कि मेरी माँ को दवाइयों की जरूरत है और मैं दवाइयां लाके दूँ? जीते रहो बेटा। प्लीज पापा को फोन देंगी? हाँ हाँ देती हूँ। लो अरविंद। हाँ बेटा बोलो। हमारी जो पुरानी डायरी है ना पापा, उसमें एम करके हमारे एक बहुत पुराने क्लाइंट है, मेहता एसोसिएट करके, उनका नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया पापा। अगर आप मुझे प्लीज वो दे देंगे तो। एक मिनट बेटा, होल्ड करना, मैं ढूंढ के देता हूँ। जी जी। हाँ बेटा, कौन बेवकूफ इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है? पापा ये लोग भी ना, गाड़ी में हॉर्न आ गया तो बजाते रहो, किसी और का सोचते नहीं है। पापा रहने दीजिए, आप मुझे प्लीज नंबर दीजिए ना। अरविंद क्या हुआ? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। जरा पूछो ना क्या हुआ। अरे वो फोन पर हो तब पूछो ना। ओ मिस्टर, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आगे मैडम रुकी हुई है, गाड़ी में मैं बैठा हुआ, पीछे इतने सारे लोग हैं, तुम अपनी गाड़ी में बैठ नहीं सकते शांति से? You don't try to teach me, okay? मेरा कितना नुकसान हो गया पता है? मैं आपसे प्यार और इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे प्यार और इज्जत से बात कीजिए। You don't know
मेरे गाड़ी पर डेंट आया, डेंट समझा तू? चला जा यहाँ से। रोक इधर ही, अब मैं आपको समझ सके। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जा जा, रोक। बोला रोक। अरविंद, अरे अरविंद पिता, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? लगता है फोन कट गया। अरे वापस लगाओ ना, देखो ना क्या हुआ। बेल जा रही है। ऐसे कैसे वो? ये अरविंद फोन क्यों नहीं उठा रहा? आखिर क्या हो गया? ऐसा भी क्या हुआ होगा कि वो फोन नहीं उठा रहा है? भगवान करे सब कुछ सही हो। शायद उसी का फोन है। हेलो। हेलो पापा जी। अर्चना बेटा, तुम पहुंच गई? जी पापा जी, मैं यही कहने के लिए फोन लगा रही थी। अरविंद फोन नहीं उठा रहे हैं। और ना ही वो फोन मिला रहे। उन्होंने कहा था कि मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। मैं इतनी देर से उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। क्या वो वहाँ पर है? नहीं बेटा, वो घर पर तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है मैं उसे कहता हूँ तुम्हें फोन करे। पापा जी प्लीज, आप उनको बोल दीजिएगा कि मुझे जल्दी फोन कर ले, मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। चिंता मत करो बेटा, मैं उसे कहूंगा। देखा, बेचारी परेशान हो रही होगी। ये अरविंद भी ना, ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत तो अरविंद ने पहले कभी नहीं की। पता नहीं इसे क्या हो गया। अभी रिंग पे रिंग जा रही है। पता नहीं आप कौन सा नंबर डायल कर रहे हो, मैं करती हूँ। देखो फोन नहीं उठा रहा है वो। अरविंद बेटा कहाँ था तू? हम फोन लगा लगा के थक गए। कहाँ है वो? देखिए 6-7 बजे एक एक्सीडेंट विक्टिम को लाया गया है। वो खान मार्केट। खान मार्केट से वो कहाँ है? सीधे सामने। सामने ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर वहाँ है। आप मिस्टर और मिसेस गुप्ता हैं? अरविंद गुप्ता हमारा ही बेटा है। आपके ऑफिसर ने कहा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है उसका। कहाँ है वो? जी उसकी हालत बिगड़ रही, इसलिए डॉक्टर उसे अभी सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। मेरे अरविंद को ऑपरेशन की क्या जरूरत है? और फिर हमें बता क्यों नहीं गया? देखिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं था, ऑलरेडी पहले से देर हो चुकी थी। काफी देर हो चुकी थी मतलब? एक्सीडेंट करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास हुआ था। हमारी PCR वैन को 3:30 बजे मिले और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 4 बज गए। मतलब मेरा अरविंद 3 घंटा जख्मी हालत में रास्ते में पड़ा रहा? देखिए एक्सीडेंट स्पॉट से हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, वो तो जब हमने भीड़ देखी तब पता चला। 3 घंटे लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और मेरा अरविंद है कि अपना काम धाम छोड़कर लोगों की मदद करने के लिए भागता था। ये देखो ना। अर्चना का फोन है, क्या कहूँ इससे? मुझे दे तो मैं बात करती हूँ। हेलो पापा। हेलो बेटा, मैं मम्मा बोल रही हूँ। अरविंद घर आए क्या? मैं कब से उनके फोन का इंतजार कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। कुछ हुआ है क्या? अरविंद का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और वो। एक्सीडेंट? माँ कैसे, कहाँ है वो? मुझे उनसे बात करनी है। बेटा वो एक्सीडेंट मामूली है, लेकिन वो बेहोश है। वो कौन से हॉस्पिटल में है मामा? सिटी हॉस्पिटल में है। लेकिन तुम चिंता मत करना, हम दोनों हैं यहाँ पर। मैं बस पहुँच रही हूँ वहाँ पर। हमारा अरविंद कैसा है? आपके बेटे को बहुत बार कुचला गया है। गाड़ी के कुचलने से उसके दिल को मैसिव डैमेज हुआ है। उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह छिल गया है, लेकिन शुक्र है उसके सर पर चोट नहीं लगी। लेकिन डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगा ना? जल्दी चलिए, द पेशेंट इज सिंकिंग। पुलिस की माने तो अरविंद का एक्सीडेंट दोपहर को हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अरविंद को देर शाम अस्पताल लाया गया। गहरे जख्मों से कराहता अरविंद घंटों सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं की। सन 2012 में दिल्ली में 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई।
लेकिन इनमें से 20-25% लोग ऐसे थे जिनकी मौत सही समय पर इलाज ना होने की वजह से हुई। अगर वो लोग सही समय से अस्पताल पहुंच जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यही हुआ अरविंद के साथ। आखिर वहां मौजूद लोग दर्द से तड़पते अरविंद की मदद करने से कतराते क्यों रहे? डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो गया? ये आप बताइए ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये। अरे मुझे कोई क्यों बताता नहीं है, बताओ ना आप। बेटा बेटा, तुम्हारे पापा मुझे खामखा डरा रहे हैं। अपने मामा को परेशान मत करो ना, आंखें खोलो ना बेटा। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों निकाल रहे हो? ये देखो ना, ये अरविंद। माँ, माँ अरविंद कहाँ है? कौन से रूम में? माँ मुझे बता के क्यों नहीं हो गया, अरविंद कहाँ है? माँ माँ अरविंद कहाँ है? माँ माँ अरविंद कहाँ है? पापा 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 अरविंद कहाँ है पापा? अरे माँ ने फोन पे बोला था कि अरविंद का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। ये अरविंद नहीं हो सकता पापा। क्या कर रहे हैं? मुझे अरविंद के पास जाना है। अरविंद कहाँ है? बेटा, ये अरविंद है हमारा बेटा। मेरा अरविंद नहीं हो सकता। अर्चना को घर ले जाओ। अरविंद गुप्ता की बॉडी हमें कब मिलेगी? किसकी बॉडी? जी अरविंद गुप्ता, थर्ड फ्लोर तरोमा सेंटर में उनकी डेथ हुई है तकरीबन 12:30 बजे। मेरे रिकॉर्ड में ऐसे कोई डेड बॉडी के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। आप श्योर तो है ये डेथ आज ही हुई है? हमारी फैमिली में डेथ हुई कुछ घंटों पहले, और आप कह रही हैं मुझे पता नहीं है डेथ हुई या नहीं। क्या हुआ निहाल? कहती है इनके पास कोई बॉडी या डेथ का रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? मेरे जवान बेटे की मौत इस हॉस्पिटल में मेरी आंखों के सामने हुई है, और आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं है। अरे इतनी तो इंसानियत रखिए कि कम से कम एक बूढ़े बाप को अपने जवान बेटे की लाश लेने के लिए मिन्नतें ना करनी पड़े आप लोगों के सामने। आपके बेटे की बॉडी ये बिल्डिंग में नहीं है? इस बिल्डिंग में नहीं, फिर कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए दूसरी बिल्डिंग में लेकर गए, नेचुरल डेथ नहीं था। उससे पूछे बगैर मेरे बेटे की लाश को कैसे ले जा सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए? इंस्पेक्टर साहब, क्या वो ड्राइवर पकड़ा गया? उसने तो खुद ही सरेंडर कर दिया है, कह रहा था कि गलती से गाड़ी चल गई। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? हवलदार, उस ड्राइवर को लेकर आओ। बेटे को मारा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती वो होती है जिसे सुधारा जा सके, लेकिन तुमने जो किया है वो गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। अरे तुम्हारी एक मिनट की जल्दबाजी ने मेरे सारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अरे तुम्हें पता भी है उसकी एक जवान बीवी है जो गर्भवती है, एक छोटा बच्चा है। तुमने उन दोनों बच्चों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दी। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? अरविंद कैसे जा सकता है माँ? उसने मुझसे वादा किया है वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। माँ मुझे मालूम। बेटा संभालो, संभालो अपने आप। माँ अरविंद के लिए खाना लगा देती हूँ। अरविंद आते ही होंगे, आएंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि उनको भूख लगी है।
मुझे लगता है बिल्डिंग से डॉक्टर कुमार को बुला लेते हैं, नींद का इंजेक्शन दे देंगे तो वो थोड़ी शांत हो जाएगी। माँ वो मुझे उससे झूठा वादा नहीं करता है माँ, वो जरूर आएगा माँ, हम साथ में खाना खाएंगे। तुम सो जाओ माँ, लेकिन अभी सो जाओ। गुप्ता परिवार की सारी खुशियां, उनके सारे सपने अरविंद की चिता के साथ भस्म हो गए। अब बेसहारा अर्चना उनका इकलौता सहारा बन गई। दूसरी ओर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू ही की थी कि दोषी ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो क्या वाकई सरेंडर करने वाले ड्राइवर की लापरवाही की वजह से अरविंद की मौत हुई थी? क्या उसने लापरवाही से बहुत बेरहमी के साथ अरविंद को 40 फीट तक घसीटा था और उसके बाद लापरवाही से 4 बार उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था? ये सारे सवाल बेहद अहम थे क्योंकि अरविंद के जख्म किसी मामूली एक्सीडेंट की तरफ नहीं बल्कि एक दर्दनाक कत्ल की तरफ इशारा कर रहे थे। किसी कोने में एक शक यह भी उभर रहा था कि कहीं हत्या को एक्सीडेंट का चोला पहनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। बात कर रहा था वो मुझसे, अचानक झगड़े की आवाज सुनाई दी, उसके बाद मैंने उसकी चीख सुनी। मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए था लेकिन मैं यहीं बैठा रहा। मेरा बेटा हर पल वहां दम तोड़ रहा था, मैं यहाँ घर पर बैठ के फोन पर फोन घुमा रहा था। पापा, आपने अभी झगड़े की बात कही, किससे झगड़ा हुआ था? पता नहीं बेटा, इतना ही सुना वो अंग्रेजी में कह रहा था। Don't know who I am, right? Like this, I'll send you behind the bars. उसके बाद खामोशी छा गई, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये इंश्योरेंस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। जी इस पे मिसेस गुप्ता का साइन चाहिए, ये इंश्योरेंस का पेपर है और ये पंचनामा। लो बेटा साइन कर दो। ये गलत है, ये अरविंद का पंचनामा हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपकी इस FIR रिपोर्ट के हिसाब से अरविंद रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी मौत एक हिट एंड रन केस है। कोई गाड़ी पीछे से आके उसे टकराती है और वो फुटपाथ पे जाके गिरा, उसके सर पे चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। इंसान अगर एक बार झूठ बोलता है तो भी वो सोच समझ कर बोलता है, और आप अपने करप्ट प्रैक्टिसेस में इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि आपको किसी की मौत का फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों कर रहे हैं ये सब? या फिर मुझे ये पूछना चाहिए कि कितने में कर रहे हैं? उस वक्त हॉस्पिटल में मैं भी मौजूद था जब डॉक्टर ने अरविंद की मेडिकल कंडीशन समझाई थी। डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा था उसे कोई हेड इंजरी नहीं है। जब ये रिपोर्ट मुझे मिली तो आपकी तरह मैं भी चौंक गया, लेकिन मैं क्या करता मैडम, हमें सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर काम करना पड़ता है, और ऊपर से वो ड्राइवर सरेंडर करते वक्त उसने वही बयान दर्ज करवाया जो इस रिपोर्ट में है। क्या मैं उस ड्राइवर से मिल सकती? You don't know who am I. I can put you behind the bars. मैडम माफ कीजिए, मुझे तो अंग्रेजी ही नहीं आती। एक बार इस विधवा की आंखों में आंखें डालकर बात करो जिसके पति को तुमने मारा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें कभी मारना नहीं चाहता था। वो तो मेरी गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे गलती से टकरा गए। मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको तुमने मारा है, उनका कत्ल किया है। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आरोपी ड्राइवर और पुलिस ने अर्चना के सवालों के जो जवाब दिए वो अरविंद के एक्सीडेंट की कहानी को झुठला रहे थे। अर्चना जैसे जैसे अरविंद की मौत की गुत्थी की कड़ियों को जोड़ती जा रही थी, उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि अरविंद की मौत कोई हादसा नहीं, हत्या थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सीडेंट वाला ड्राइवर और ये ड्राइवर जो लॉकअप में है दोनों एक ही आदमी। मतलब ये कि एक्सीडेंट से ठीक पहले पापा और अरविंद की फोन पर बात हो रही, इतनी देर में अरविंद की गाड़ी को पीछे से आके किसी और गाड़ी ने मारा और अरविंद और उस ड्राइवर का झगड़ा होने लगा। पापा ने ये सब सुना लेकिन इस ड्राइवर को तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। मैडम ये भी तो हो सकता है ना, गाड़ी में टक्कर मारने वाला ड्राइवर कोई और था और एक्सीडेंट करने वाला कोई और। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ये पूरा का पूरा केस एक अनुमान के सहारे नहीं बना सकते। पहले वो झूठी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अभी झूठे ड्राइवर का सरेंडर, वहां पर इतने सारे लोग थे जिनकी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हो गया। ये आपको लगता है कि वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, परंतु जब हमारे ऑफिसर्स छानबीन करने के लिए उस मार्केट में गए तो सबका एक ही जवाब था कि हमने कुछ नहीं देखा। ये क्या कह रहे हैं आप, उन सैकड़ों लोगों में से कोई एक इंसान भी सामने नहीं आया? नहीं पापा,
कोई ना कोई तो जरूर होगा, कोई तो होगा जिसने इतनी बड़ी मार्केट एरिया में हादसा होते हुए देखा होगा। मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगी और इस केस पर पड़े झूठे पर्दे को उठा दूंगी। तुम तो इस केस के चक्कर में अपना खाना पीना ही भूल गए। बेटा तुम्हें सातवां महीना चल रहा है, अपनी तबीयत का तो ख्याल करो। तुम्हारे अंदर एक अन्नी सी जान पल गई। ये फाइलें छोड़ो और दूध पीकर सो जाओ। अरविंद को जाना था, वो तो चला गया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी बेटा। कोई तो कर लूंगा, मेरे पति को दिन दहाड़े किसी ने मार दिया। मुझे बोला जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चाई क्या है। मेरे अरविंद को मुझसे क्यों छीन लिया गया, किसने छीना? एक बेगुनाह ने अपनी जान दे दी और दूसरा बेगुनाह सजा काट रहा है जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं। माँ, मैं इन सब के पीछे कौन है, किसने उसको ये सब करने पे मजबूर किया, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। किसे छुड़ाने आया है? कि वो नाम दोस्त, हाँ, राम सिंह पटवारी। ड्राइवर राम सिंह? कल ही उसकी बेल हुई है, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी। हलदार, राम सिंह को लाओ। थैंक यू। ये राम सिंह ड्राइवर का घर कहाँ है? किससे मिलना है आपको? मैं अरविंद गुप्ता की विधवा हूँ। मैम सर, आइए ना, बैठिए। मिम साहब, मेरे पति को माफ कर दो, उनसे गलती हो गई। गलती हो गई, बहुत दिनों से यही बात सुन रही हूँ, पर यहाँ पर आके लग नहीं रहा है कि किसी से कोई भी गलती हुई। ऐसा लग रहा है जिसने जो भी किया सब जानबूझ के किया। और ये लैपटॉप, ये तो आपकी पति की इनकम से बाहर है, लगता है ये बख्शीश में मिला होगा। ये क्या कह रही हैं आप? ये सब मेरे पति की मौत के बाद ही आया होगा ना। मेरे पति की जिंदगी की अच्छी कीमत लगाई है तुम्हारे पति ने। मेम साहब, आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कृपा करके निकलिए यहाँ से, चलिए। देखो, मैं जानती हूँ कि ये जुर्म तुमने नहीं किया। हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका कत्ल हुआ था। और ये बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगी, गुनहगार को उसकी सजा दिला कर रहूंगी। अभी तुम्हें तय करना है कि इन चंद पैसों के लिए तुम पूरी जिंदगी अपनी जेल में काटोगे या फिर। राकेश माथुर एक बहुत बड़ा नेता है और उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट भी हुआ है। पापा, मुझे पूरा यकीन है कि उसी के परिवार का कोई शख्स गाड़ी चला रहा है। आप उनके परिवार से दोबारा पूछताछ कीजिए ना, हो सकता है कि कुछ पता चल जाए। देखिए, वो बड़े लोग हैं, बार बार छानबीन के बलबूते उन्हें इंटेरोगेट नहीं कर सकते। वैसे वो अपना स्टेटमेंट हमें दे चुके हैं जिसके मुताबिक उनका परिवार उस दिन शहर में नहीं था, गाड़ी ड्राइवर के हवाले। पूछताछ करने की बहुत कोशिश की पर सच बताने के लिए तैयार नहीं है। वो सच नहीं बोले, लेकिन कोई और जरूर है जिसे सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। साहब, मैं एक बार कबूल तो कर चुका हूँ, वो एक्सीडेंट मेरे ही हाथों हुआ था। देखो राम सिंह, मुझे झूठ नहीं सुनना है जो तुम्हें सिखाया गया है, सच सुनना है जो तुम जानते हो। तुम्हारा मालिक और उसका बेटा उस दिन कहाँ थे? वो दोनों तो शहर से बाहर गए हुए थे और ये एक्सीडेंट तो मेरे ही हाथों हुआ था। ये मेरे पति हैं, इनकी मौत को लेके केस चल रहा है। ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि आपके पति इनकी मौत का सच जानते हैं, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। और आपके पति जानते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं, वो खून था। अगर आपके पति सच बता देते हैं तो शायद वो बच जाते, नहीं तो उनको 7 से 10 साल की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद भी। दया कीजिए मैम साहब, इन्हें बचा लीजिए।
इनकी कोई गलती नहीं, ये तो उस दिन ड्यूटी पे भी नहीं गए थे, इन्हें तो पैसे दिए गए थे इस जुर्म को अपने सर पे लेने के लिए। देखिए आप घबराइए मत, आप हमें बस सच सच बता दीजिए कि किसने पैसे दिए थे। हाँ जी कहिए। ये हम आपके बेटे को अरेस्ट करने आए। ये वो तो घर पे नहीं है। चलो। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, बिना परमिशन के आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। के खिलाफ सर्च वारंट है हमारे पास, जाओ देखो उसको, कहीं कहीं छुपा हुआ कहीं वो। पुलिस आई है, बोलती है बंटी को अरेस्ट करना है, आप कुछ कीजिए ना। ए, चल बाहर, चल बाहर यहाँ से। माँ, अरे आप, आपका बेटा हमें मिल गया है, ये बात भी बता दो मिस्टर माथुर को। अरे आप ऐसे मेरे बेटे को लेकर नहीं जा सकते। सर आप बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप शायद जानते नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, मेरे डैड का नाम ही काफी अच्छे अच्छे को लाइन दिलाने के लिए। बिल्कुल यही कहा था ना तूने अरविंद को मारने से पहले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? मैंने एक बार कह दिया था ना कि एक्सीडेंट के रोज रॉन शहर में मौजूद नहीं था, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हुए? ड्राइवर ने कह दिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक ने ये लिख दिया कि ये हिट एंड रन का केस था। एक सेकंड माथुर साहब, आपको कैसे पता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट तो आपको दी नहीं गई। कहते हैं ना कि झूठ को बार बार और जोर से कहा जाए तो झूठ भी सच से ज्यादा जोर पकड़ लेता है। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपने मेरे बेटे पे उंगली उठाने की कोशिश की ना तो मैं शहर का बड़ा से बड़ा वकील खड़ा कर दूंगा। यह है रोहन माथुर के बेल के पेपर, उन्हें बुलाइए। हौलदार लाओ रोहन को। राकेश माथुर ने जो कहा वो सुनने में कड़वा जरूर लगता है लेकिन है बिल्कुल सच। किसी भी केस का दारोमदार ठोस सबूतों और गवाहों पर होता है। अगर आप किसी जुर्म के चश्मदीद गवाह हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप आगे आकर बयान दें, वरना आपकी चुप्पी उन गुनहगारों की आजादी का कारण बन सकती है जिनकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे। उस दिन रोहन माथुर ने इतनी बेरहमी से अरविंद गुप्ता को अपनी गाड़ी से घसीटा कि उसकी मौत हो गई। सैकड़ों लोग इस भयानक हादसे के चश्मदीद गवाह थे लेकिन कोई भी बयान देने आगे नहीं आया। अब इस केस का फैसला चश्मदीद गवाहों पर निर्भर था और अर्चना ने ठान लिया था कि वो हर कीमत पर इस केस को उसके सही अंजाम तक पहुंचा कर रही। सुनिए, यहाँ पर उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था ना। एक्सीडेंट? और किसी की जान भी गई थी। वो टीवी वाले भी आए थे, देखा था। देखा था मतलब? अरे टीवी पर देखा था। अरे लेकिन कम से कम आप यहाँ पर होंगे, आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना उस दिन क्या हुआ। कैसे देखेंगे मैडम, धंधे का टाइम, शॉप छोड़कर थोड़ी ना एक्सीडेंट देखने जाएंगे। टाइम मत वेस्ट कीजिए, जाइए यहाँ से। सुनिए भाई साहब, वहाँ पर उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था, आप कुछ बता सकते हैं, कुछ देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। अरे लेकिन आप कुछ सुनिए भाई साहब, उस दिन वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, आप कुछ बता सकते हैं, आपने कुछ देखा? नहीं मैडम, हमें कुछ नहीं पता। अरे लेकिन कुछ तो देखा होगा मैडम, यहाँ तो रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसको याद रखूंगा। एक महीना पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? कुछ बता सकते हैं? अरे अंकल जी, आज सुबह में मैं क्या खाया वो नहीं मालूम है, तो ये एक महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, कैसे मालूम हुआ जी? सुनिए, अरे आप फिर आ गई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया आपकी दुकान के सामने, आपने तब भी कुछ नहीं देखा? अरे वो पार्किंग लॉट यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई पड़ता है, लेकिन तब भी आप कह रहे कि आपने कुछ नहीं देखा। मेरे धंधे का टाइम है, मुझे और भी काम है। आप सब लोग अंधे और बहरे हो गए हैं क्या? अरे एक आदमी ने चीख चीख के अपना दम तोड़ दिया लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। देखा तो क्या, अपना धंधा, टीवी, कैमरा, शॉपिंग लिस्ट, लेकिन किसी ने एक बेचारे मरते हुए इंसान को नहीं देखा। अरे वो मरता हुआ इंसान मेरा पति था, मेरा अरविंद था वो, लेकिन तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। प्लीज, किसी ने तो कुछ देखा होगा, प्लीज मुझे बता दो। सर आपके 20 रुपए हुए। अब भैया जी, इस पार्किंग लॉट में कुछ रोज पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस रोज भी आप यहाँ पर थे? वो सब तो मेरे सामने हुआ था सर, इतने साल से पार्किंग की नौकरी कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा।
वो साहब तो बड़ा ही भला मानुस थे वो, लेकिन एक अमीर ज़ादे ने पीछे से गाड़ी ठोक दी, गलती उसकी थी। फिर भी वो साहब ने बड़े ही इज्जत से पूछा, लेकिन वो तो एकदम उल्टा ही धोस जमाने लग गया था। भाई साहब, भाई साहब, आपने उस ड्राइवर को देखा है क्या? आप उसके खिलाफ पुलिस में गवाही दे सकते हैं? देखिए मैडम, आप लोगों के साथ में जो कुछ भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब झमेले से मुझे दूरी रखें तो अच्छा होगा। अरे भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये सब आपके लिए झमेला होगा, पर मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है। उसको सैकड़ों लोगों के सामने मार दिया गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कैसे चुप रह सकते हैं? भाई साहब, हमारी मदद कीजिए प्लीज। मुझे माफ कीजिए मैडम प्लीज। ये क्या हो गया था तुम्हें? पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस घर ने बहुत कुछ खोया है दूसरों की गलतियों की वजह से। अब और नहीं पापा, मैं अब दूसरों की गलतियों की तमाश भी नहीं बन सकती। अगर किसी ने गलती की है तो उसे उसका सुधार करना होगा। बस पापा, अब और नहीं कर सकती मैं। सुनिए। अरे बाबा, फिर से आ गए आप। आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप चले जाइए, ठीक है? देखिए मैडम, आप अपना वक्त जाया कर रही हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ पर रोज आती रहूंगी। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिए प्लीज। ये लीजिए, पीजिए पीजिए। अब बताइए क्या हुआ था? मैडम, आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं बीवी बच्चे वाला आदमी मैडम, अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो फिर मेरे घर परिवार वाले क्या करेंगे? मेरा भी परिवार है भैया, और एक पति था जो आपकी आंखों के सामने उस दिन मर गया यहाँ पर, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। कैसी मजबूरी है आपकी, क्यों नहीं कुछ बता सकते? एक मिनट मैडम, उस दिन एक औरत थी, उसके गाड़ी का नंबर है DL14K8756। मैं जानती थी तुम आओगे, आप अब तक सामने क्यों नहीं? बहुत डर गई थी मैं उस हादसे के बाद। उस हादसे से जुड़े बुरे सपने मुझे आज तक परेशान करते। तो आप अच्छे तरीके से जानती होगी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन सपनों को मैं दिन रात जीती हूँ। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती हूँ तुम्हारे दर्द का। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मौका ही नहीं मिला कुछ समझने का। उस दिन मैं खान मार्केट गई थी अपनी बेटी के साथ। बैग्स बहुत सारे थे, इसीलिए गाड़ी में डालने में टाइम लग रहा था। जहाँ सभी गाड़ियाँ जल्दी कर रही थी, वहीं तुम्हारे पति बहुत कंसिडरेट थे। उन्होंने मुझे इशारा किया, टेक योर टाइम। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आगे मैडम रुकी हुई है, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, पीछे इतने सारे लोग हैं, आपको किस बात की गाड़ी? डोंट ट्राई टीच मी, ओके? मैं आपसे प्यार और इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे प्यार और इज्जत से बात कीजिए। यू डोंट नो मी ना, हु आई एम? लाइक दिस आई विल सेंड यू बिहाइंड द बार्स। रोकिए दादी, अपने आप को समझ सके, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बुला, पुलिस बुला, बुलाता हूँ। बुला। It says, I'm sorry, Arjuna. आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे? अनुजी, ये रोहन माथुर के खिलाफ आपके दिए गए बयान के पेपर हैं, इस पर साइन कर दीजिए। लेने आओ यहाँ पर तुम्हारे बेटे को। अपने आप को बहुत बड़ा ऑफिसर समझते हो तुम? एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी ये वर्दी को उतरवाने में, समझे? अगर मैं चाहूं तो आज तुम्हें भी अरेस्ट कर सकता हूं। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी ना करने देने के जुर्म में, लेकिन एक दिन में एक अरेस्ट ही काफी है। आज बेटे को लेकर जा रहा हूं,
अगर जरूरत पड़ी तो बाप को भी लेने आऊंगा। कैसा कपूत पाला है आपने। अगर बचपन में ही इसकी पहली गलती पर आपने इसे थप्पड़ मारा होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिल्ली में हुआ था ये हादसा, लेकिन ये कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी शहर में हो सकता है। जुर्म से ज्यादा मायने रखती है उसके खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया। किसी भी जुर्म या हादसे को लेकर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कानून व्यवस्था को ताने देना। सरकार को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर कोई घायल हमारी आंखों के सामने मदद की गुहार करते करते मर जाता है तो उसके लिए सरकार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। ज्यादातर लोग ऐसे मामलों में दूसरों की मदद करने से कतराते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि कौन पड़ेगा पुलिस के चक्करों में। सरकार ने इस समस्या से लड़ने के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत आप किसी घायल को अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं या उसे सिर्फ वहां छोड़कर आ सकते हैं अपनी पहचान गुप्त रखते हुए। आपसे ना कोई सवाल किया जाएगा ना कोई बयान लिया जाएगा। और सरकार ने यह पहल सिर्फ इसलिए की है ताकि कोई भी असहाय बिना मदद के दम न तोड़ दे। इस केस में आपने देखा बहुत से चश्मदीद गवाह थे लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। एक डर, एक हिचकिचाहट उन्हें रोक रही थी, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके लोग आ गया, पुलिस की मदद की और दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। हमारे लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पुलिस समाज की सहायता और मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। सामाजिक सहयोग और कानून व्यवस्था, ये दोनों एक अपराध मुक्त समाज के दो ऐसे पहिए हैं जो अगर साथ नहीं होंगे तो फिर सुरक्षित समाज की कल्पना करना बेमानी है। और दिल्ली वाले अब ये बात समझने लगे हैं। वो समझ गए हैं कि अपराध के खिलाफ लड़े बिना उस पर विजय पाना नामुमकिन है। इसीलिए जुर्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लोग जाग रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये मुहिम यूं ही चलती रही तो अपराध रहित दिल्ली अब दूर नहीं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।